Good morning students. Yesterday we have done four questions of exercise 3. Today we will start with question number 5. The statement of question number 5 is, using Indian system of numeration, find the place value of the underlined digit in each of the following case. हमें place value निकालनी है underlined digit की, किसके according? कौन सा system use करना है? Indian system of numeration. Fifth question, first part. क्या है फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट? 5907135 68, ये हमारा नंबर है, इसमें हमें अंडरलाइन नंबर है 9, इसकी हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है. ठीक है, प्लेस वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो जितनी भी इसके बाद डिजिट्स होती हैं उतनी हम जीरो ले लेते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि इसको हम काउंट करेंगे यहाँ से. दिस इज वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लाख, टेन लाख, करोड़ एंड टेन करोड़. नाइन कौन सी पोजिशन पे है? करोड़ की पोजिशन पे. करोड़ मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय वन करोड़. द प्लेस वैल्यू ऑफ नाइन इज, ऑफ नाइन इज नाइन मल्टीप्लाइड बाय वन करोड़, एंड इन वन करोड़ देर आर 7 zeros. Answer is 9 crore. The place value of 9 in this above number is 9 crore. Now let's do one more part. Part number C. Fifth question, part C. In C part we have 8203075 14. क्या है ये हमारा सी पार्ट है, और इसमें अंडरलाइन वर्ड है हमारा 8. अंडरलाइन नंबर जो है वो 8 है, इसमें हमें 8 की प्लेस वैल्यू निकालनी है. तो इसमें जैसे हमने ऊपर वाले में किया था सेम वही, अगर हम नॉर्मल कॉमन मेथड कॉमनली हम बोलते हैं तो हम क्या करते हैं, जो हमारा 8 है उसके पीछे जितनी डिजिट हैं उतनी हम जीरो लगा देते हैं प्लेस वैल्यू निकालने के लिए. ओके, और वैसे हम क्या करते हैं, इनको काउंट करेंगे वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लाख, टेन लाख, करोड़, टेन करोड़. ये है हमारी 10 करोड़ वाली पोजिशन, मतलब हमें 8 को 10 करोड़ से मल्टीप्लाई करना है प्लेस वैल्यू निकालने के लिए कि ये नंबर कौन से प्लेस पे है. ये 10 करोड़ के प्लेस पे है, तो 8 की हमें प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 मल्टीप्लाई बाय 10 करोड़, 8 मल्टीप्लाई बाय 10 करोड़. और 10 करोड़ में कितनी जीरोस आती हैं? 8 जीरोस. ओके, ऊपर क्या था, 9 करोड़ था, मींस इसको 1 करोड़ से मल्टीप्लाई किया था, 1 करोड़ में 7 जीरोस आती हैं, ये क्या है 10 करोड़. 10 करोड़ में कितने डिजिट्स आ जाएंगी, कितनी जीरोस आ जाएंगी, 8 जीरोस, ये क्या बन जाएगा 80 करोड़. तो प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन अबव नंबर इज 80 करोड़. ओके स्टूडेंट्स, इसका हम कोई एक पार्ट और करते हैं, पार्ट ई करते हैं. ओके, इन ई पार्ट वी हैव 26 24 60 53 819. ठीक है, ये हमारा नंबर है, इस नंबर में हमें हमारा अंडरलाइन वर्ड जो है जीरो, जीरो की हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है. ओके, जीरो एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो या जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो रिजल्ट हमेशा हमें जीरो मिलता है. तो दैट मीन्स इस नंबर में जीरो की प्लेस वैल्यू जीरो ही होगी. ओके, वैसे हम देखें अगर जीरो की पोजीशन क्या है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, दिस इज एट लैक प्लेस. लैक मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई जीरो बाय वन लैक, बट आई हैव सेड अर्लियर दैट इफ वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय जीरो और जीरो बाय अ नंबर वी ऑलवेज गेट आंसर जीरो. सो प्लेस वैल्यू ऑफ जीरो इन दिस नंबर इज जीरो. द प्लेस वैल्यू ऑफ जीरो इज जीरो. ओके स्टूडेंट्स,
जीरो की प्लेस वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सिक्स। इन क्वेश्चन नंबर सिक्स वी हैव टू राइट द नंबर्स इन एन एक्सपेंडेड फॉर्म। जो ये वाला नंबर हमें गिवन है ना, इसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। इस नंबर में तो क्या निकालनी थी हमें? प्लेस वैल्यू निकालनी थी। नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है कि नंबर गिवन है हमें और उसको क्या करना है? एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। सिक्स क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है? 529,347। इसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। मतलब जैसे हम बोल रहे हैं कि ये 5 लाख है, तो 5 लाख फिर ये 29,347। 29,000 को लिख सकते हैं 20,000 प्लस 9,000, 300 प्लस 40 प्लस 7। तो इस नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी? दी एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 529,347 इज, दिस इज 5 लाख, 5 लाख, 1 लाख में 5 जीरोज होती हैं। दिस इज 20,000, अगेन नेक्स्ट इज 9,000, आफ्टर दैट दिस इज 300, एंड आफ्टर दैट दिस इज 40, एंड लास्ट वन इज 7। The expanded form of this number is this: 5,20,000 plus 9,000 plus 300 plus 40 plus 7. Okay? इसका एक और पार्ट करते हैं, पार्ट डी। डी पार्ट में वी हैव गिवन 13,06,19,804। 13,06,19,804। इसमें क्या करना है? एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है इसको कि क्या है ये 13 करोड़ है, फिर लाख, फिर 19,000, मतलब 1, 10, 100, 1,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़। तो जो ये 1 है, 1 क्या होगा? 10 करोड़ प्लस 3 करोड़ प्लस 0 प्लस 6 लाख, 10,000 प्लस 9,000 प्लस 800 प्लस 0 प्लस 4, ये क्या होगी इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। 10 करोड़, 1 करोड़ में 7 जीरोस, तो 10 करोड़ में 8 जीरोस। अगेन नेक्स्ट इज 3 करोड़, 3 करोड़ में 7 जीरोस प्लस, दिस इज 0, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो 0 रहता है। आगे आ गया 6, 6 कौन से प्लेस पे है? लाख के प्लेस पे है, तो 6 लाख, 1, 10,000 के प्लेस पे है, तो ये है 10,000। इसके बाद 9 है 1,000 के प्लेस पे, इसके बाद 8 है वो 100 के प्लेस पे, उसके बाद 0 एज इट इज, उसके बाद 4 है वो 1's प्लेस पे। ठीक है, प्लेस वैल्यू नाम से ही पता लग रहा है कि जिस प्लेस पे जो नंबर है उसकी वहां वैल्यू क्या है। जैसे ये 10 करोड़ के प्लेस पे है, तो इस 1 की वैल्यू है 10 करोड़। इससे आगे ये करोड़ के प्लेस पे है, तो 3 की वैल्यू है 3 करोड़। अब ये जैसे 9 है, ये 1,000 के प्लेस पे है, तो 9 की वैल्यू है 9,000। 804, ये 1's प्लेस पे, तो ये वैल्यू 4। ये है 10,000 के प्लेस पे, तो ये वाली वैल्यू 10,000। लेट्स डू वन मोर पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। लास्ट पार्ट इज 89 करोड़ 30 लाख 16,870। जैसे मैं बोल रही हूँ इसको ऐसे ही लिखना है कि कौन सी प्लेस किस नंबर का है। 89 करोड़ मीन्स 8 जो है वो कौन से प्लेस पे है? 10 करोड़ वाले प्लेस पे है, तो क्या होगा ये 80 करोड़।
9 है ये करोड़ के प्लेस पे है तो ये 9 करोड़। 3 जो है वो 10 लाख वाले प्लेस पे है तो ये 30 करोड़। 0 एज इट इज, 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो आंसर 0 ही रहता है। 1 है 10,000 के प्लेस पे तो इसकी वैल्यू आएगी 10,000। 6 है 1,000 के प्लेस पे तो ये 6,000। आगे है 800, ये 100 के प्लेस पे तो 800, ये 10th पे तो 70 और 0 एज इट इज। तो जो हमारा ये वाला नंबर है इसकी नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी, ये 80 करोड़ 9 करोड़ प्लस 30 लाख प्लस 0 प्लस 10,000 प्लस 600,000 प्लस 800 प्लस 70 प्लस 0, इस नंबर की ये होगी हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म। अगर हमें बोले कि इस नंबर को वर्ड्स में बोलो कैसे बोलेंगे तो क्या होगा, 89 करोड़ 30 लाख 16,870। ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू ओनली 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।